लोकतंत्र को चलाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं जिससे लोगों को अनुशासित रखा जाए, लोक संविधान के मुताबिक चलें, जिससे देश की परिस्थितियां हमेशा सामान्य बनी रहें। लेकिन सोचिए, अगर आप मजहब के नाम पर कानून को तोड़ते हैं, वो भी वहां जहां से एक बच्चे को जिंदगी के महत्व के बारे में बताया जाता है, जहां से अनुशासित रहना सिखाया जाता है। अनुशासित रहना बहुत जरूरी है और अनुशासन का पालन हर व्यक्ति, हर संस्थान, हर विभाग को करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते। अब इस मामले को ही देख लीजिए। ये गंगा जमुना स्कूल, जहां अलामा इकबाल का गीत लब प्याती दुआ गाते छात्राएं दिखी है। ये वीडियो भले ही 15 अगस्त का बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्कूल में इस गीत को हमेशा गाया जाता है। वीडियो में हिजाब में नजर आ रही छात्राएं गीत को गा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनाया गया था। हालांकि खुलासे के बाद स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया था। स्कूल के कई टीचर्स भी धर्मांतरण का भी खुलासा कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने स्कूल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजा जाता है, संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है, वही संविधान का पालन ना किया जाए तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा। जबलपुर में ISIS के आतंकी मॉड्यूल को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासा हैरान कर देने वाला है। ये आतंकी 2050 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहे थे और इसके लिए लव जिहाद को इन्होंने हथियार बनाया था। आतंकियों से बरामद हार्ड डिस्क और मोबाइल से इसका खुलासा हुआ है। इनकी साजिश हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की थी। गिरफ्तार आतंकियों की हार्ड डिस्क और मोबाइल से ये खुलासा हुआ है। NIA ने 27 मई को जबलपुर के 3 जगहों पर छापेमारी की थी और 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला है कि इनके तार ISIS से जुड़े थे। ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लव जिहाद की इस साजिश को MP में लगातार अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश भर से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर में एक सप्ताह में लव जिहाद के 4 मामले सामने आए हैं। प्रदेश के और भी जिलों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। हर बार तरीका ऐसा होता है, नाम बदलकर पहले हिंदू लड़कियों से जान पहचान पर दोस्ती और प्यार का ढोंग रचना, उसके बाद और धर्म परिवर्तन का दबाव। ISIS से लेकर हिजबुत तहरीर तक अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए लव जिहाद और धर्मांतरण को हथियार बना रखे हैं। इनके निशाने पर MP भी है और अब इनके प्लान 2050 के खुलासे के बाद सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जल है तो जीवन है। जल के बिना जिंदगी की कल्पना करना मुमकिन नहीं। सरकार और कई संस्थाओं के द्वारा पानी को संरक्षित करने के लिए कई तरह के प्रचार प्रसार किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से जल संकट गहराता जा रहा है। कई बार पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। अब इस तस्वीर को ही देखिए। ये झरने की तरह बहता पानी बारिश का नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है। ये तस्वीर है भोपाल के कोलार पाइपलाइन की, जहां एक बार फिर लापरवाही की वजह से पाइपलाइन फट गई, जिससे सैकड़ों गैलन पानी सड़क किनारे दुकानों में भर गया। ये सब कोलार में चल रहे 6 लेन निर्माण के दौरान हुआ। इससे दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ। कई दुकानों में 3 फीट तक पानी जमा हो गया। पानी की बर्बादी को देखकर कई लोग सवाल के घेरे में आते हैं कि आखिर ऐसा बार बार कैसे हो रहा है, इस लापरवाही का दोषी कौन है। आत्महत्या के अक्सर कई मामले सामने आते रहे हैं। कोई पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या कर लेता है तो कोई किसी अन्य परेशानी से आहत होकर ऐसा कदम उठाता है। किसी के साथ कुछ गलत हो तो मानसिक रूप से परेशान होकर सुसाइड जैसे कदम अक्सर लोग उठा लेते हैं। ऐसी खबर बहुत देखी होंगी। एक इससे ही मिलती जुलती खबर और सामने आई जिसमें आत्महत्या तो की लेकिन वजह क्या है इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल रायपुर के एक घर में काम करने वाली बाई की बहुमंजिला इमारत से गिरने की वजह से मौत हो गई। मौत होने के बाद महिला के पति ने हत्या का आरोप लगाया। मृतक महिला के पति के मुताबिक उसकी हत्या की गई और नीचे फेंका गया। हालांकि रायपुर के पंडरी पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महिला ने सुसाइड किया, और अगर किया तो क्यों, और अगर हत्या हुई तो फिर महिला के साथ क्या हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
समाज में शिक्षा का असर अब दिखने लगा है। लोग बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज की जागरूकता का प्रमाण सतना में तब देखने को मिला जब पूरी बारात बहू की परीक्षा से आने का इंतजार कर रही थी। शादी के सात फेरे खत्म होने के बाद दुल्हन विदाई के पहले बीएड फाइनल ईयर की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंची और दूल्हा केंद्र के बाहर उसका इंतजार करता रहा। परीक्षा देकर आने के बाद दुल्हन को विधि विधान के साथ बारात के साथ विदा किया गया। शिक्षा के महत्व का इससे अच्छा नजारा शायद ही कोई और हो। जहां एक दुल्हन शादी के जोड़े में परीक्षा देने के लिए पहुंची और दूल्हा भी उसका इंतजार कर रहा है, ये नजारा देखकर हर कोई एक समय के लिए तो दंग रह गया। बता दें कि शादी के सात फेरे खत्म होने के बाद दुल्हन परीक्षा के लिए निकली और उसके बाद डोली में आकर बैठी। इंसानों को देखकर अक्सर पक्षी भाग जाते हैं या खुद को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि यही पक्षी इंसान का दोस्त बन जाए तो वो उस इंसान के आगे पीछे घूमता रहता है। आपने तोते, कबूतर और अन्य पक्षियों के और इंसानों की दोस्ती की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन एक चिड़िया और इंसान की दोस्ती सिर्फ किताबों में पढ़ने को ही मिलती है। इस तस्वीर को देखिए, एक बच्ची और नन्ही चिड़िया की दोस्ती देखकर लोग दंग रह जाएंगे। 7 साल की नन्ही पंखुरी और नन्ही चिड़िया की जिनकी दोस्ती अब लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। खमरिया के टिगरा में रहने वाली पंखुरी महज 7 साल की है, जो केंद्रीय विद्यालय में 4th कक्षा में पढ़ती है। गर्मियों की छुट्टी के चलते आज से 1 सप्ताह पहले जब पंखुरी अपनी बड़ी बहनों के साथ खमरिया के पार्क में सुबह घूमने गई, तो पंखुरी ने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही है। बिना देरी किए पंखुरी और उसकी बहनों ने नन्ही चिड़िया को बोतल से पानी पिलाया और पेड़ की छाया में बैठाया। इसके बाद पंखुरी और उसकी बहनें पार्क में खेलने लगी। जब पंखुरी घर जाने लगी तो नन्ही चिड़िया पंखुरी के कंधे पर आकर बैठ गई, जिसके बाद पंखुरी चिड़िया को अपने घर ले गई और दाना पानी देकर बाहर खुले में छोड़ दिया। कुछ देर बाद नन्ही चिड़िया पंखुरी के घर के अंदर आ गई और घर में यहाँ वहाँ चहचहाते हुए फुदकने लगी, जिसके बाद पंखुरी और उसके पिता पंकज वर्मा ने नन्ही चिड़िया के लिए घर बनाया। लेकिन चिड़िया उस नए घर में ना रहकर यहाँ वहाँ उड़ती रही। अब ये चिड़िया इस परिवार का हिस्सा है, जो दिन भर यहाँ वहाँ घूमती है और फिर वापस पंखुरी के पास आ जाती है। यहाँ तक कि रात में नन्ही चिड़िया पंखुरी के आसपास ही रहती है। छोटे छोटे झगड़े कब बड़े हो जाते हैं, इसका एहसास तो शायद झगड़ा करने वालों को भी नहीं होता होगा, और देखते ही देखते छोटे झगड़े बड़े बन जाते हैं। एक ऐसा ही मामला ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना अलकापुरी रोड से सामने आया, जहां लोडिंग टेम्पो और कार चालक के बीच विवाद हो गया। दरअसल लोडिंग टेम्पो ने नई कार में पीछे से टक्कर मार दी। बस फिर क्या होना था, भाई साहब पारा चढ़ गया, और एक तो गर्मी, ऊपर से नई कार। कार चालक गुस्से में लाल हो गया और फिर दोनों के बीच बाजार में ही बहस शुरू हो गई और घमासान। देखिए तस्वीरों में कैसे नई कार लोडिंग टेम्पो वाले चालक के लिए आफत बनी, दोनों के बीच कैसे इस छोटी सी बात को लेकर लड़ाई ने एक बड़ा रूप ले लिया। इसलिए तो कहते हैं कि छोटे छोटे झगड़े कब बड़े बन जाते हैं, इसका एहसास शायद झगड़ा करने वालों को भी नहीं होता है। जिंदगी और मौत में बहुत कम फासले होते हैं। मौत कब आ जाए इसकी कल्पना शायद ही कोई करता होगा, लेकिन मौत के मुंह से निकल जाना बिल्कुल उसी कहावत की तरह है कि जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। ये तस्वीर इस कहावत को बता रही है। तस्वीर मुंबई के वडाला स्टेशन की है, जहां एक महिला चलती ट्रेन से गिर गई। महिला की जान हलक में थी, तभी देवदूत बनकर वहां टीटी सुधीर पहुंच गए। देखिए महिला कैसे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसी है और ट्रेन दौड़ रही है। हालांकि स्टेशन पर मौजूद टीटी श्री सुधीर उनकी और दौड़े और चतुराई दिखाई, महिला का सिर खींच लिया और महिला यात्री की जान बचाकर एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। वही महिला के बेटे ने उसकी मां की जान बचाने को लेकर टीटी सुधीर को धन्यवाद दिया। वैसे तो जून आते ही लोगों को मानसून का इंतजार रहता है। मानसून अमूमन 1 जून तक केरल में दस्तक दे देता है, लेकिन इस साल मौसम विभाग ने पहले 4 जून तक केरल में मानसून आने की संभावना जताई थी, लेकिन कुछ सिस्टम सक्रिय नहीं होने की वजह से इनमें 3 से 4 दिन की देरी की संभावना जताई गई।
मतलब ये साफ है कि 7 से 8 जून तक केरल में मॉनसून दस्तक देगा। अरब सागर में 4 सिस्टम सक्रिय हुए हैं, जिसके बाद केरल में 2-1 दिन में मॉनसून की बारिश की संभावना है। तो वहीं आज से अगले 3 दिन तक ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई। आने वाले 3 दिन तक प्रदेश और ग्वालियर में आंधी के साथ झमाझम बारिश के आसार हैं। कहीं काले बादल दिख सकते हैं तो कहीं सिर्फ आंधी का अनुमान है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि इस आंधी बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। एक तरफ मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मॉनसून का देरी से आने की संभावना जताई जा रही है। यानी छत्तीसगढ़ के लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। बारिश की बूंदों के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि अरब सागर में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अगले 24 घंटे में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसके बाद 7 से 8 जून तक सर्कुलेशन के दबाव में बदलने की संभावना है। वहीं इस दबाव की वजह से छत्तीसगढ़ के लोगों को बारिश के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में गर्मी का कहर और भी देखने को मिलेगा। लोगों को तपती गर्मी का एहसास होने वाला है। कहते हैं हनुमान जी की आराधना अष्ट सिद्धि का वरदान देती है। राम नाम का जाप करने से बल, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हनुमान नाम ही चमत्कार है और ये चमत्कार अंबिकापुर के लमगांव में देखने को मिलता है। बताया जाता है कि अंबिकापुर के लमगांव के इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के आकार में सालों साल वृद्धि होती है, मतलब मूर्ति का आकार स्वयं बढ़ता है। अब इसे चमत्कार ही कह सकते हैं। वहीं इस साल एक बार फिर आकार बढ़ने के बाद हनुमान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जहां हनुमान चालीसा का विशेष पाठ किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मंदिर में स्वयंभू प्रकट हनुमान जी की मूर्ति है और मूर्ति के सामने सैकड़ों भक्त जो हनुमान जी की भक्ति में लीन हैं। लोगों का यही कहना है कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के आकार में हर साल स्वयं वृद्धि हो रही है। महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। महिलाएं अपना झंडा गाड़ रही हैं। सीहोर में भी महिलाओं ने एक नई इबारत लिखी है। ये इबारत ग्रामीण अंचल में प्रगतिशील सोच रखने वाली महिलाओं ने लिखी। ये महिलाएं बादसोप से प्रदेश में एक नई पहचान बना रही हैं। समूह के बनाए दीदी बादसोप की प्रदेश के 17 जिलों में खासी डिमांड है। हालत ये है कि डबल शिफ्ट में काम करने के बावजूद इसकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा पा रहा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वसहायता समूह की 5 महिलाओं ने 10 लाख रुपए का लोन लेकर जिले में प्रदेश का पहला सोप यूनिट लगाया और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बने। आजीविका मिशन के तहत मिले लोन की वजह से महिलाएं कुछ अलग करने की ओर बढ़ पाईं। अब नहाने के साबुन के यूनिट के सफल संचालन की कहानी सुन प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इस यूनिट का विजिट करने आ रही हैं। जनजीवन की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने की आवश्यकता है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जंगलों का संरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन इन दिनों कई कारणों की वजह से आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। ये आसमान में धुआं, ये काले गुबार आग लगने के बाद उठने वाले धुएं की तस्वीर है और ये तस्वीर रायगढ़ के सारंगगढ़ गोमरडा अभ्यारण्य की है, जहां के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि ये अभ्यारण्य के छोटे झाड़ियों में लगी आग थी, लेकिन गर्मी की वजह से देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से छोटे छोटे पौधे जलकर राख हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जंगल में लगी इस आग के बाद यहां की स्थिति क्या है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। उसकी चाहत थी कि वो एक दिन का कलेक्टर बने और वो एक दिन का कलेक्टर बना।
चाहत पूरी भी हुई, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहा। एक बीमारी ने उसे निगल लिया। दरअसल गरियाबंद के छुरा की मेडकी डबरी का निवासी शैलेंद्र, जो एक दिन का कलेक्टर बना था, उसकी प्रोजेरिया बीमारी से मौत हो गई। आकस्मिक निधन से पूरा परिवार शोक में है। सीएम भूपेश बघेल ने एक दिन का कलेक्टर बनाकर शैलेंद्र का सपना पूरा किया था। ये तस्वीरें तब की हैं जब वो एक दिन का कलेक्टर बन अपने सपने को पूरा कर रहा था। सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट, सुबह दुखद सूचना मिली, शैलेंद्र ध्रुव अब हमारे बीच नहीं रहे। हमने उसकी एक दिन का कलेक्टर बनने की इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। भगवान उसका ख्याल रखें। भारत हर दिन अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। तकनीक के माध्यम से दुश्मनों को जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने खुद को और मजबूत किया है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन को माकूल जवाब देने के लिए इंडियन नेवी अब हथियारों और मारक क्षमता की बढ़ोतरी कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को नौसेना ने देश में तैयार की गई हैवीवेट टॉर्पीडो का पानी के समुद्र के भीतर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक टॉर्पीडो ने तय समय में पानी के भीतर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। इस टॉर्पीडो का निर्माण DRDO की मदद से किया गया है। नौसेना ने कहा कि पानी के भीतर टॉर्पीडो का सटीक निशाना लगाना उसके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग तरह के कदम उठाए जाते हैं, ताकि एक माकूल वातावरण बन सके जिसमें शुद्ध हवा हो। राजनांदगांव शहर में कुछ ऐसा ही किया गया, जिसे मिसाल कहेंगे या जागरूकता, या फिर जागरूकता की मिसाल। राजनांदगांव शहर में खेले जा रहे रानी सूर्यमुखी देवी अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट में एक सामाजिक भूमिका भी निभाई जा रही है। इस सामाजिक भूमिका की खास बात यह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए टूर्नामेंट के दौरान जितने छक्के लगेंगे उतने ही पौधे शहर में लगाए जाएंगे। साथ ही लगाए गए पौधों का ध्यान भी रखा जाएगा, ताकि वो सुरक्षित भी रह सकें। इन पौधों के रोपे जाने से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। इस आयोजन की तारीफ खिलाड़ियों ने भी की है। वैसे इस पहल को देखकर इतना कह सकते हैं कि पूरे देश में ऐसी पहल होनी चाहिए, जिससे पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो सके और पर्यावरण संरक्षण में अपनी हिस्सेदारी निभा सके। समिति की इस पहल की सराहना जमकर की जा रही है। कौन नहीं जानता कि नशे की लत बहुत खराब होती है। नशीले पदार्थ इंसानों को हिंसात्मक बनाता है। नशे की लत में इंसान जानवरों की तरह व्यवहार करने लगता है। उसका दिमाग उसके वश में नहीं होता, वो छोटी छोटी घटनाओं पर उत्तेजित हो जाता है। अब एक ऐसा ही मामला बिलासपुर से सामने आया, जिसे जानकर आप कहेंगे कि इससे पहले कही गई बातें 100 आने सही है। इस तस्वीर को देखिए, दो गुटों के बीच हो रही इस झड़प को देखिए। देखिए कैसे ये लोग एक दूसरे के ऊपर लात घूंसे बरसा रहे हैं, और ये सब हो रहा है नशे की हालत में। दरअसल तारबहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल और कबाड़ वालों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। नशे की हालत में दोनों पक्षों ने अपना अपना आपा खो दिया और दोनों पक्ष लगे एक दूसरे से दो दो हाथ करने। ये दो दो हाथ करने का सिलसिला मामूली बात पर शुरू हुआ और जान पर आन पड़ी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हाथियों के उत्पात की खबरें तो आपने सुनी होंगी। कई बार हाथियों के उत्पात की तस्वीरें देखी भी होंगी, जो आए दिन सामने आती ही रहती हैं। लेकिन अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो अलग है, खास है। इस तस्वीर में गजराज उत्पात नहीं मचा रहे, बल्कि मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें। इस तपती गर्मी में हर कोई परेशान है, और इस तपती गर्मी से हर कोई बचने का प्रयास कर रहा है। प्रचंड गर्मी से जंगल में रहने वाले जानवर भी परेशान हैं। लिहाजा गर्मी से बचने के लिए हाथियों के पानी में नहाते हुए वीडियो के सामने आने के बाद ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करीब एक दर्जन से अधिक हाथियों का दल मस्ती के मूड में नजर आ रहा है।
जिसमें बेबी एलिफेंट्स भी शामिल हैं। देखिए कैसे हाथियों का ये झुंड मस्त होकर गर्मी दूर करने की कोशिश में है। तपती गर्मी में तालाब के पानी में नहा रहा है। बेबी एलिफेंट की मस्ती जो अलग है। दरअसल ये हाथियों का दल शाम के समय गांव के पास पीने के पानी के लिए तालाब पर पहुंचा। जब सभी ने पहले लालपुर बनखेता गांव के तालाब में अपनी प्यास बुझाई और उसके बाद गर्मी से बचने के लिए डुबकी लगाकर अटखेलियां की। आपने अभी तक बच्चों का बर्थडे मनाते देखा होगा, लेकिन गया निवासी संतोष कुमार पिछले 7 वर्षों से बरगद के वृक्ष का बर्थडे मनाते आ रहे हैं। संतोष प्रभावती अस्पताल में जैन औषधि केंद्र चलाते हैं। इसी अस्पताल परिसर में उन्होंने 5 जून 2016 को एक बरगद का पेड़ लगाया था। तब से हर साल वो इस बरगद का बर्थडे मना रहे हैं। इस बार भी उन्होंने बड़े धूमधाम से बरगद वृक्ष का बर्थडे मनाया। इस दौरान पूरे वृक्ष को गुब्बारों से सजाया गया। शहर के लोगों के साथ मिलकर केक काटा और लोगों में मिठाइयां बांटकर खुशियां व्यक्त की। संतोष के मुताबिक वो इस पेड़ को अपने घर का सदस्य मानते हैं और जैसे वो अपने अन्य बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, ठीक उसी तरह हर साल इसका भी बर्थडे मनाते हैं। संतोष का मानना है कि पेड़ है तो मनुष्य है और पर्यावरण है। अगर पेड़ नहीं तो मनुष्य भी धरती पर नहीं होते। जिस तरह से हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ की भी सेवा करनी चाहिए। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, ताकि लोगों को स्वच्छ ऑक्सीजन मिलती रहे। मध्य प्रदेश के सागर के दामोदर अग्निहोत्री को सिक्कों के कलेक्शन करने का अनोखा और गजब शौक है। कलेक्शन ऐसा कि जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पिछले 30 सालों में उन्होंने बेशकीमती ऐतिहासिक दुर्लभ सिक्कों का संग्रह किया है। दामोदर अग्निहोत्री के संग्रह में आजादी के बाद से सरकारों के द्वारा जितने भी पैसे रुपए के सिक्के चलन में या जारी किए गए, उन तमाम सिक्कों का कलेक्शन उनके पास मौजूद है। इनमें 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे से लेकर 1 आना 2 आना के साथ आज के समय में जारी किए गए 50 रुपए तक के सिक्के संग्रहित हैं। इसमें ब्रिटिश कालीन में रानी विक्टोरिया के समय से आजादी के समय से पहले तक जो भी शासक रहे और सिक्के जारी किए वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही सिंधिया शासन काल के समय के सिक्के भी उनके कलेक्शन में हैं। वही सबसे खास बात यह है कि भारतीय सिक्कों के अलावा विदेशी मुद्राएं भी इन्होंने सजो कर रखी हुई हैं, जिसमें 48 देशों में प्रचलन में रहे सिक्के इनके पास हैं। इनमें 15 मुद्राएं ऐसी हैं जो चांदी की हैं। इसको लेकर दामोदर अग्निहोत्री बताते हैं कि उन्हें बुंदेली चीजों को इकट्ठा करने के शुरुआत से ही शौक रहा है। इसके लिए उन्होंने सत्यम कला और संस्कृति संग्रहालय तैयार किया है, जिसमें अकबर के समय की गिन्नी से लेकर आज के जमाने तक के सिक्के हैं।